छत्तीसगढ़ प्रदेश के आधार कार्ड बनाने समेत आधार ऑपरेटर एवं सुपरवाइजर 12 नवंबर को दिल्ली जंतर मंतर रवाना हो रहे हैं और वहां केंद्र सरकार द्वारा उन्हें निलंबित करने के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। पूरे देश भर में आधार कार्ड निर्माण करने वाले आधार कंप्यूटर ऑपरेटर एवं सुपरवाइजर इन दिनों अपने निलंबन को लेकर खासे परेशान नजर आ रहे हैं। उन्हें निलंबन के कारणों का पता भी नहीं चल पा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा आधार कार्ड बनाने के सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव करके DOE-1 एवं DOE-2 एरर जोड़ दिया गया है, जिसके चलते आधार कार्ड निर्माण में होने वाली एक छोटी सी चूक आधार ऑपरेटर को भारी पड़ रही है। इसके लिए उन्हें निलंबित भी कर दिया जा रहा है और भारी भरकम जुर्माना भी वसूला जा रहा है। जुर्माने की राशि 25 रुपए से लेकर 1 लाख तक की है, तो वही निलंबन भी 3 माह से लेकर 5 साल तक का हो सकता है। आधार ऑपरेटरों का कहना है कि आधार कार्ड बनाते समय उन पर कई प्रकार के दबाव होते हैं, जिनमें आम जनमानस के साथ साथ कुछ राजनीतिक और कुछ प्रशासनिक दबाव भी दिए जाते हैं। ऐसे में आधार ऑपरेटरों से एक आध छोटी मोटी चूक हो सकती है, परंतु इस चूक को केंद्र सरकार द्वारा इन्हें बताया भी नहीं जाता कि चूक कहां हुई है और सीधे सीधे जुर्माना लगाकर निलंबित कर दिया जा रहा है। इसी के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश के आधार कंप्यूटर ऑपरेटर भी 12 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर रवाना हो रहे हैं, जहां इस सिस्टम के खिलाफ अपनी लामबंदी दिखाते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। योजना अब आधार की जो योजना है पब्लिक के लिए है, ठीक है, हम वहां पे नया भी बनाते हैं, अपडेट भी करते हैं। अभी कुछ साल भर से एक नया DOE-1 एरर आया है, जिसमें एक गलती होने पे भी 1 साल के लिए निलंबित किया जाता है, तो उसी तहत हम भी निलंबित हुए हैं अभी, और हमारे बहुत सारे भाई साहब लोग भी हुए हैं। भिलाई नगर निगम के अंदर लगभग 10 के आसपास है, 10 से 20 के आसपास पिछले मतलब 7-8 महीने में हो गए हैं। विरोध हमारा का बस यही है कि DOE-1 एरर को हटाया जाए, क्योंकि ये एक आम गलतियां हैं, पब्लिक प्लेस पे बैठते हैं, छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं कभी कभी, तो उसके लिए एक ही गलती पे सस्पेंड करना ये उचित नहीं है। उसका हमसे फाइन भी लेते हो आप, उसके बाद फिर सस्पेंड भी करते हैं, तो उसी चीज की मांग को लेकर एरर को हटा दिया जाए, उसकी जगह सैंडबैग का ऑप्शन दे दिया जाए, जिससे ऑपरेटर भी सुरक्षित रहे और आवेदक भी बार बार आके रिजेक्शन के कारण पैसा उसका बार बार ना लगे, आवेदक को भी एक ही बार में काम हो जाएगा, सैंडबैग का ऑप्शन आ जाए। तो हमारी रिंग में थे, हमारे यूनियन के पदाधिकारी लोग गए थे लास्ट नवंबर, उसमें 2 महीने पहले गए थे UID हैदराबाद, तो वहाँ पे बात हुई, अपने पक्ष को रखा गया, तो बोले ठीक है हटाएगा, हम आप 1-2 महीने में आपसे डिस्कस करते हैं, बट उसके बाद अभी तक ना तो मेल का जवाब देते हैं ना फोन रिसीव करते हैं, तो इसी कारण पूरे ऑल ओवर इंडिया बेस के लोगों ने एक धरना का निर्णय लिया कि दिल्ली में अपन 14 से 40 धरने पर बैठेंगे जंतर मंतर। कुछ नहीं, वैसे भी ब्लैक लिस्टेड है, अभी भी जो काम कर रहे हैं उनकी कोई वो नहीं है कि मतलब सुरक्षित नहीं है, वो जो भी बैठे हैं आप 1-1.5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करके अभी एक नया ऑपरेटर आता है कि चलो एक अच्छा अपने को कॉन्सेप्ट मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, परिवार उससे चलेगा, पता चलता है 2 महीने बाद वो सस्पेंडेड साल भर के लिए, तो अभी भी तो हम सुरक्षित नहीं है ना, ना तो हमको कोई गारंटी है कि सस्पेंड होने के बाद भी हमारा कोई दूसरा इनकम आधार के थ्रू आएगा या कुछ है। ये शासन का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अधिनियम 2017 के तहत DOE-1 का एरर का आया है, जो पहले करीब 5 था, 5 के बाद 3 किए, अब एक भी अगर डॉक्यूमेंट्स एरर में आता है तो 1 ईयर से लेकर 5 ईयर्स के लिए सस्पेंड किया जाता है। पर फाइल 10,000 रुपये का फाइन है, 25 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये का भी फाइन है, जिनका जितना DOE-1 आएगा पर DOE-1 में 10,000 का फाइन है। तो इस तरीके से अगर एक ही अपना ये लेते हैं डॉक्यूमेंट्स में, तो या तो फाइन या सस्पेंडेड, तो हमारे पर दोनों चीज़ लागू हो रही है, सस्पेंड भी हो रहे हैं और प्लस 10,000 रुपये पर पैकेज का फाइन भी पटा रहे हैं। इसके कारण न्यू इनॉलमेंट और अपडेट जो बायोमेट्रिक होता है उसमें जो शासन से हमें पैसा मिलना होता है वो कमीशन के तौर पर जो मिलता है उसको फाइन के तौर पे उन्होंने पूरी तो काट लेते हैं, हमको आज तक 1 रुपये का कमीशन नहीं मिला। इसमें जो है DOE-1 जो लाया गया है एक में, जिससे यह पता चलता है कि पुराने ऑपरेटरों को सस्पेंड करके हटाया जाए, उनके जगह पे नए नियम लागू करके कहीं ना कहीं हमारे साथ पक्षपात किया जा रहा है।
हटाया जाए या वो DOB1 के तहत आता है तो उस ऑपरेटरों को ट्रेनिंग दिया जाए। ट्रेनिंग देने के बाद इनको बताया जाए कि आपके ये फाइल ये गलतियां हुई है और उसके आधार पर भविष्य में आप ना करें। पब्लिक पैलेस में बैठते हैं और लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे जो स्थितियाँ होती है पहले मेरा का बात आता है। कई लोग बहस भी करते हैं कि मेरा पहले कर दो, कोई है ऊपरी दबाव भी होता है कि इनको पहले कर दो, तो उस स्थिति में हमारा जो माइंड है जो भीड़ अत्यधिक होना तो डिस्टर्ब होता है और जो वर्क करना चाहते हैं वो ना करके हमारे से कहीं कहीं छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। उस फाइल को अगर हमसे गलती हो रही है, अगर चेक में पाए गए गलती हो रही है तो उसको रीसेंड का ऑप्शन दिया जाए जिससे हम दोबारा करेक्शन करके डालें और गलतियों को हम सुधार सकें। नहीं, एक्चुअल में गलतियां जो होती है वो हमको बताई नहीं जाती, इसलिए तो हमको समझ में नहीं आता नहीं कि हमने गलती किया क्या है। हमने RTA के तहत भी जानकारी मांगा गया है तो उनसे बोला जाता है कि आप 3rd पर्सन की जानकारी मांग रहे हो इसलिए हम आपको नहीं दे पाएंगे। ऐसे कोई डेट ऑफ बर्थ चेंज करता है उसमें भी लिखा जाता है कि रिलेशनशिप इज नॉट वेरीफाई, तो डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर रहे हैं तो उसमें रिलेशनशिप कहाँ से आ गया। उनका सॉफ्टवेयर इतना है कि यहाँ डालने के बाद उनका अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर पा रहे सही से। आधार कंप्यूटर ऑपरेटर वैसे भी काफी तनाव में रहते हैं और उनके ऊपर दबाव इतना होता है कि एकाध छोटी मोटी चूक हो सकती है, पर ऐसे में उन्हें निलंबित कर देना न्याय संगत नहीं दिखाई देता। केंद्र सरकार को अपनी नीतियों पर एक बार पुनः विचार करने की जरूरत है जिससे किसी की रोजी रोटी चलती रहे और उनके घरों में चूल्हा भी चलता रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।